नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर लेखनी। मैं महेंद्र राजपूत। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सपा के बूथ अध्यक्ष तक कार्यकर्ता लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को सपा की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, वैसे ही सपा कार्यकर्ता रात दिन एक कर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को सपा की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। समाजवादी चौपाल लगाकर अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए ले रहे हैं संकल्प। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे की राजनीति में विपक्ष की अहम भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी से ही सक्रिय हो गए हैं। लगातार सपा नेता गांव शहर जाकर के लोगों को आह्वान पत्र दे रहे हैं, वहीं सपा के नीतियों के बारे में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और जनता को सपा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बता रहे हैं। यूपी के प्रत्येक जिले में इस कार्य का आह्वान पत्र वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में जौनपुर के दरखरिया मुगरा शाहजहांपुर में सपा नेता विशाल यादव ने चौपाल लगाकर समाजवादी आह्वान पत्र लोगों को वितरित किया। इसके साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने की शपथ ली। वहीं सपा नेता विशाल यादव के नेतृत्व में दूसरे दलों के आए लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन भी थामा। वहीं अखिलेश यादव को सीएम बनाने का संकल्प ले रहे सपा के कार्यकर्ताओं ने लोगों से मुलाकात की और लोगों से अपील की कि लोग 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा का साथ दें ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन सके। वहीं सपा नेताओं ने बीजेपी सरकार पर भी रोजगार, महंगाई व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं सपा नेताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस समय राम भरोसे है, लगातार गरीब असहाय लोग पीड़ित किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। महेंद्र राजपूत।